समाजवादी पार्टी की सरकार के समय हुए भ्रष्टाचार का एक पाखाना खुल गया है। मालूम है कभी आप लोगों को एक बड़े पाखाने के अंदर जो समाजवादी इत्र बनाता था 280 करोड़ रुपया नगद मिल गए हैं नगद। ऐसे भ्रष्टाचारियों को सजा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? दोनों हाथ उठा बताओ, सजा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपकी सेवा में समर्पित है। विकास आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। पहले की और अब की स्थिति में अंतर आया है कि नहीं आया है? इसे मैं आप सब लोगों को भगवती गंगा मैया के तट पर आज फिर यही आरोहण अपील करने के लिए आया हूं। मंच पर हमारे सभी वरिष्ठ नेता पदाधिकारी हैं, सबका नाम लेने में देर लगेगी, अभी यात्रा काफी लंबी जानी है, लेकिन मैं 2022 के बारे में एक नारा पूरे प्रदेश में लगा रहा। 2017 में मैं 300 पार की बात करता था, आपने अपना आशीर्वाद देकर के 300 पार करने का काम किया है। 300 पार की इस बार भी बात करते हुए एक लाइन मैंने जोड़ा है, 2022 में 100 में से 60 वोट हमारा है और 40 वोटों में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है कि नहीं है? हमने सबका साथ सबका विकास किया है और सबका साथ और सबका विकास किया है तो कमल खिलाने का काम उत्तर प्रदेश और बदायूं की जनता जरूर करेगी। इसी विश्वास के साथ देता हूं अपनी बारी को विराम और दोनों हाथ उठा करके बोलिएगा तरीके की भीड़ है। ये देखिए आसपास के सभी सम्मानित नागरिकों के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आपने इस जन विश्वास यात्रा के लिए और अपने लोकप्रिय जनप्रिय नेता कीर्ति शेरवानी के संस्थान बुनियादी के लिए जो समय दिया और आशीर्वाद दिया, ये आशीर्वाद आपका चुनाव तक बना रहे और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी इस जन विश्वास यात्रा में पहुंचे हैं, ये आप देख सकते हैं और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं 2022 में फिर से योगी सरकार बनने वाली है। इतनी भीड़ शायद आप अखिलेश यादव देखकर भी चौंक जाएंगे। पहले पहन निकाले पहले अरे सर पता नहीं
ऐसा ही प्यार और आशीर्वाद आपका मना रहे, यही निवेदन करता काम छोड़ करके हमारे किसान भाई यहाँ पर आए हैं, आपको भी बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद।